एक सीट जो आज हमारे पास है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए और फौरी तौर बिना कोई शर्त रखे हुए अपने लिए हमारे इस कारवां के साथ जुड़ गए और हमारी मदद करने निकले, जिसमें हमारे बनी के एमएलए डॉक्टर रणेश्वर सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इलेक्शन के बाद जब इनसे मुलाकात हुई, जब बाकियों से मुलाकात हुई, इनमें से एक ने भी अपने लिए नहीं मांगा। जब बात की तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से बात की, अपने असेंबली सेगमेंट के हवाले से बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की और कहा कि लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनका अब हल होना चाहिए। हम बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते रहे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज कहीं पहुंची नहीं, मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी, इंशाल्लाह आपकी आवाज, आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी, आपके मुतालबे मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात जो हैं इंशाल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोशा डालना शुरू कर गए थे कि आप जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सजा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, मैंने कहा यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज सबकी होगी और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना, इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोएलिशन में मजबूरी की वजह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, अलायंस को उन्होंने ओहदे देने थे, मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली, वजीर आला के तौर पे मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की, अलायंस की मजबूरी थी कि तारा चंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाए। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी
डिप्टी सीएम बनाए और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं, कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा, कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे? क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती।